Hello children, how are you all? Hope you all are very fine. Today I am going to discuss with some word problems upon multiplication and division. आज मैं कुछ word problems पे discuss करूँगी, आपको बताऊँगी, जो कि multiplication और division दोनों में से mix up करके हैं. Okay बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर उसको डिसाइड करना है कि मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर वन, देयर आर फोर बोल्स विथ थ्री एप्पल्स इन ईच बोल, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ऑल. यहाँ क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहा है कि हमारे पास फोर बोल्स हैं एंड हर बोल्स में थ्री एप्पल्स रखे हुए हैं, तो बताना है टोटल हमारे पास कितने एप्पल्स हुए. तो देखिए बच्चों, फोर अलग अलग बोल्स हैं और हर बोल्स में थ्री एप्पल्स हैं, तो ऑब्वियस बात है हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी पता चलेगा हमें. हमें नंबर्स ज़्यादा बताने हैं, है ना. जब ज़्यादा नंबर्स बताने होते हैं हमें, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री इज इक्वल टू 12. सो इन टोटल एप्पल्स कितने हुए, 12 एप्पल्स इन फोर बोल्स. ओके बच्चों, ओके. क्वेश्चन नंबर टू, मदर हैज़ 15 बटन्स, देयर आर 5 बटन्स ऑन ईच कार्ड, हाउ मेनी कार्ड्स ऑफ बटन्स डज शी हैव. यहाँ बोल रहा है कि मदर के पास 15 बटन्स हैं, ठीक है. There are 5 buttons on each card. एक कार्ड पे 5 buttons यूज़ हो जाते हैं, तो बताना है कि वैसे वैसे कितने कार्ड्स बन पाएंगे 15 buttons में. एक कार्ड पे बच्चों 5 buttons यूज़ होते हैं और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ buttons कितने हैं, 15, और हमें बताना है टोटल कितने कार्ड्स बन पाएंगे. देखिए तो यहाँ पे कम हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीज़न का काम करेंगे. सो हमारा डिविडेंड होगा यहाँ पे 15 एंड डिविज़र होगा हमारा 5. सो द आंसर इज 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3, है ना बच्चों. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिरीश हैज़ 24 पेंसिल्स, देयर आर 4 पेंसिल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स डज ही हैव. यहाँ बोल रहा है कि गिरीश के पास 24 पेंसिल्स हैं, ठीक है. ध्यान दो, पेंसिल के बॉक्स नहीं है 24 पेंसिल्स हैं. There are 4 pencils in each box, और हर बॉक्स में 4 pencils हैं, तो बताना है how many boxes of pencils does he have, कि हर बॉक्स में कितनी pencils होंगी. तो obviously बात हम यहाँ पर divide करेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि each box में कितने होंगे, है ना. तो 24 हमारा dividend and 4 is our divisor, so 24 divided by 4 is equal to 6. Next, क्वेश्चन नंबर फोर, मेरी हैज़ 6 ग्लासेस, शी पुट्स 4 स्ट्रॉज इन ईच ग्लास, हाउ मेनी स्ट्रॉज आर देयर इन ऑल. मेरी के पास 6 ग्लासेस हैं, हर ग्लास में 4 स्ट्रॉ हैं, ठीक है, हर ग्लास में 4 स्ट्रॉज हैं, तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रॉज कितने हुए. ग्लासेस कितने हैं बच्चों, 6, हर एक ग्लास में कितने स्ट्रॉज हैं, तो 4. तो टोटल कितने ग्लास में, टोटल 6 ग्लास में कितने स्ट्रॉज होंगे, ऑब्वियस 24, 6 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 24, है ना बच्चों. ओके, आप लोग बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो इसको सॉल्व करके दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे बनाएं. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है पहले और फिर उसको खुद से आपको सॉल्व करना है. ओके, अब नीचे देखिए एक चैलेंज दिया हुआ है. कार्तिक हैज़ 11 चॉकलेट्स एंड हिज ब्रदर हैज़ 16 चॉकलेट्स. कार्तिक के पास 11 चॉकलेट्स हैं एंड उसके ब्रदर के पास 16 चॉकलेट्स हैं. इफ़ दे शेयर द चॉकलेट्स इक्वली विथ देयर सिस्टर, हाउ मेनी चॉकलेट्स विल ईच ऑफ देम गेट. अगर वो अपनी बहन से, अपनी सिस्टर से चॉकलेट इक्वली शेयर करते हैं, तो बताना है हाउ मेनी चॉकलेट्स विल ईच ऑफ देम गेट. ये आप लोग खुद से बनाइए, खुद से ट्राई करिए. यहाँ पे नंबर ऑफ चॉकलेट्स दिए हुए हैं, आप लोग बताना है कि अगर वो अपनी सिस्टर से शेयर करते हैं इक्वली तो कितना देंगे. ओके बच्चों, ओके, बाय बाय.